जूलॉजी में इसके अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक आपकी एसीटिन टेडपोल लार्वा जो चल रहा था इसके अंदर, उसमें आपको बताया था इसके अंदर एसीटिन टेडपोल जो कि टेडपोल फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसके समान दिखाई देता है, जिसमें सिर या ट्रंक जिसको कहा जाता है, हेड पाया जाता है और टेल या पूंछ पाई जाती है। उसमें आपको एक बाघ के बारे में बता दिया था उसमें कौन कौन से बाघ पाए जाते हैं डायग्राम के साथ। अब सेकेंड इसके अंदर पार्ट की बात करें तो कौन कौन से बाघ है, जैसे सेकेंड इसके अंदर जैसे टेल या पूंछ बाघ, इसमें इसके अंदर कौन कौन से बाघ पाए जाते हैं जो इसके अंदर आगे या हेड या सिर में, जैसे इसके अंदर पेपिला है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, आहार नाल पाई जाती है, एट्रियम है, एट्रियोपोर है, या ब्रेन या मस्तिष्क के इसके अंदर जो भाग है उसके पाए जाते हैं। उसी प्रकार से पूंछ या टेल जो भाग होता है सेकंड पार्ट, उसमें इसके अंदर ये सबसे इसके अंदर क्या सकते हैं लोकोमोटरी पार्ट होता है, गमन करने वाला लोकोमोटरी पार्ट या गमन करने वाला एनिमल में जो इसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर ये लार्वा मूवमेंट करता है, वैसे ही इसके अंदर टेल बाग के कारण करता है। इसके अलावा इसमें टेल फिन या जिसे पूंछ पग कहा जाता है या इसको कॉडल फिन भी कह सकते हैं, कॉडल फिन उपस्थित होते हैं। सेकेंड इसके अंदर लोकोमोटरी पार्ट होता है, गमन में इसके अंदर मदद करने वाला पार्ट है टेल फिन या इसके अंदर कॉडल फिन पाए जाते हैं, पग पाए जाते हैं टेल या पूंछ बाघ पर। और टेल फिन का जो निर्माण होता है, टेल फिन का निर्माण टेस्ट कवच के द्वारा होता है, टेस्ट या ट्यूनिक जो कवच है उसके द्वारा होगा। इसके अलावा इसमें नोटोकॉर्ड भी टेल बाग में पाई जाती है जिसको पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड जो पाई जाती है इसके अंदर जंतु के शरीर में जो लार्वा अवस्था है उसमें टेल या पूंछ बाग में इसके अंदर होती है जो कि इसका अक्षीय कंकाल बनाती है। अक्षीय कंकाल इसके अंदर या जिसको कहा जाता है एक्सियल इसके अंदर। नहीं तो इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इसके अंदर हर समय लेटे रहेगी, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं वो अक्स या इसके अंदर कह सकते हैं कंकाल इसके अंदर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसके अंदर उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता इसके अंदर मनुष्य। जिस प्रकार से इसके अंदर इसमें भी एक्सियल जो इसके अंदर पाया जाता है वह नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु होती है, वह भी इसके अंदर टेल में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है जिसको तंत्रिका रज्जु कहा जाता है। और ये इसके अंदर कह सकते हैं आगे ट्रंक बाग तक जाती है, जो नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु जो होता है इसके अंदर उसमें भी बताया गया था आपको विसरल गैंग्लियॉन तक जाती है। डायग्राम में इसके अंदर आपको बताया था इसके अंदर विसरल गैंग्लियॉन विसरल गैंग्लियॉन तक जाती है। तो विसरल गैंग्लियॉन इसके अंदर विसरल का अर्थ होता है जो ऑर्गन में जो भी तंत्रिकाएं जाती है, विभिन्न प्रकार के अंगों में जो तंत्रिकाएं जाती है उससे इसके अंदर कह सकते हैं जो तंत्रिकाओं का गुच्छा जो बनता है, गुच्छा जो होता है उसको गैंग्लियॉन कहा जाएगा। तो विसरल गैंग्लियॉन जो इसके अंदर वह नोटोकॉर्ड के ऊपर वाला भाग जिसको इसके अंदर कह सकते हैं नर्व कॉर्ड कहा जाता है, और नर्व कॉर्ड जो कि विसरल गैंग्लियॉन में जाती है जो कि इसके अंदर विभिन्न ऑर्गन से जो तंत्रिकाएं आती है उनका इसके अंदर क्लंप या गुच्छा होता है। इसके अलावा टेल भाग में टेल बाग में इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं मायोटोम्स, मायोटोम्स या जिसे कहा जाता है मसल बैंड, पेशीय बंडल, पेशीय बैंड या पेशीय बंडल पाए जाते हैं टेल रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये पेशीय बंडल जो होता है इसके अंदर
वो बताता है कि इसके अंदर यह वर्टिब्रेट या कह सकते हैं कॉर्डेट, क्योंकि इसमें जो बेसिक बंडल है इसमें सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है, या जिसे कहा जाता है सतही खंडीभवन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या सतही खंडीभवन पाया जाता है, बीच में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो मसल्स या बैंड इसके अंदर पाए जाते हैं, मस्कुलर बैंड या इसके अंदर कह सकते हैं बेसिक बंडल कहा जाता है, उसमें बीच बीच में इसके अंदर कह सकते हैं जॉइंट पाया जाता है, और वो जॉइंट जैसे आपके फिंगर में जिस प्रकार से है, लेकिन वो अंदर तक नहीं होता है, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं उसको सुपरफिशियल कहा जाता है, सतह इसके अंदर खंडीभवन। जैसे आपने इसके अंदर कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट में भी इसके अंदर कह सकते हैं पढ़ा था, ये जो कॉर्डेट है एनिमल जिसमें मसल्स में पाया जाता है, और इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं यह कॉर्डेट का भी इसके अंदर एक लक्षण होता है जिसमें सुपरफिशियल सेगमेंटेशन उसके मसल्स में पाया जाता है, जो कि इसके अंदर इसके टेल रीजन में पाई जाती है, ये भी इसके अंदर एक टेल पार्ट में पाए जाने वाला लक्षण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसके बाद में टेल रीजन जो होता है इसके अंदर सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो लार्वा है उसका आवास कैसा होता है, स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव और आवास किस प्रकार का होता है, कहां पर पाया जाता है लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा जो होता है इसके अंदर जैसे कि आपको बताया था मूवमेंट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन लार्वा में जैसे आपको बताया था टेस या ट्यूनिक कवच पाया जाता है, टेस या ट्यूनिक कवच पाया जाता है, और ये कवच इसके अंदर इसके माउथ को चारों ओर से कवर करता है, माउथ के चारों ओर पाया जाता है, माउथ के चारों ओर जब इसके अंदर पाया जाएगा तो माउथ इसके अंदर यदि टेस्ट या ट्यूनिक से कवर हो जाता है तब तो इसके अंदर ये भोजन नहीं ले सकता। ये कह सकते हैं फीडिंग नहीं होती है, फीडिंग नॉट अ, तो फीडिंग या भोजन इसके अंदर इसलिए नहीं लेता है क्योंकि इसके अंदर इसका माउथ टेस्ट या ट्यूनिक कवच के द्वारा घिरा रहता है, इसके कारण इसके अंदर एक फूड इसके अंदर कह सकते हैं माउथ में नहीं जा सकता, तो माउथ के चारों ओर इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है टेस्ट या ट्यूनिक कवच, इसलिए फीडिंग जो इसके अंदर जब एक बार ये कौरियों से बाहर आ जाएगा इसको कि इसके अंदर कह सकते हैं अंडे में जैसे इसके अंदर मुर्गी के अंडे से इसके अंदर कह सकते हैं जब इसका चूजा निकलता है बाहर निकलता है उसको जिसको हैचिंग कहते हैं, टूट कर जब बाहर निकलता है उसको हैचिंग कहते हैं, इसमें भी जैसे कौरियों से जब बाहर निकलता है कौरियों से बाहर निकलेगा उस समय इसके अंदर कह सकते हैं इसके चारों टेस्ट या ट्यूनिक कवच के कारण ये भोजन लेना बंद कर देता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इसके अंदर इसका माउथ टेस्ट या ट्यूनिक कवच के द्वारा कवर हो जाता है और फीडिंग इसके अंदर इसमें नहीं हो पाएगी, और इसके बाद में जब भोजन नहीं ले रहा है फीडिंग इसके अंदर बंद कर देता है, फिर इसके बाद में इसमें जो प्रोसेस होता है स्विमिंग करता है, तैरता है, इसके बाद में इसके अंदर यह बॉटम या तल में चला जाता है, बॉटम या तल में चला जाएगा और अपने अब इसके अंदर यह ऐसी सतह ढूंढता है हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस या जो इसके अंदर कह सकते हैं सख्त जो सतह होती है इस सतह पर, या इसके अंदर कह सकते हैं जो सबस्ट्रेट होता है ऐसा आधार ढूंढता है जो कि कठोर हो उस पर इसके अंदर, या ये कह सकते हैं या कठोर आधार या जिसको कहा जाता है सॉलिड सबस्ट्रेट, इस पर अपने एडहेसिव पैपिला के द्वारा जुड़ जाता है, और यहां पर इसके अंदर इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसा कि इसमें इसके लक्षण में भी बताया गया था, इसके अंदर ट्रंक में या दड़ भाग में इसके अंदर जो पाया जाने वाला भाग है इसमें एडहेसिव पैपिला इसको मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण के समय इसके जंतु को किसी सतह से जोड़ने का कार्य करते हैं,
एडेसी पेपिला के द्वारा इसके अंदर यह जुड़ जाता है। इसमें किस प्रकार से जुड़ेगा? एडेसी पेपिला इसके अंदर कह सकते हैं जो या इसका जो भाग है इसके अंदर आगे वाला पाया जा रहा है। इसमें जो आगे वाला जो रीजन है इसके अंदर जिसपे एडेसी पेपिला पाया जाता है, ये वाला भाग इसके अंदर एडेसी पेपिला वाला जो भाग है वह सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और टेल वाला भाग इसके ऊपर की ओर रहता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर इसका टेल वाला भाग ऊपर रहेगा और इसका हेड वाला या ट्रंक वाला भाग इसके अंदर सतह से जुड़ता है। इसके अंदर हर्डमानिया में इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा की यदि बात की जाए। आगे इसके अंदर इसमें अब कायंथ मेटामॉर्फोसिस या कायंथ लार्वा में इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस या कायंथ्रम होगा। एनिमल के इसके अंदर अडमाने के लार्वा की बात करें तो इसमें जो कायंथ्रम पाया जाता है यूनिक होता है। लार्वा में पाया जाने वाला कायंथ्रम यूनिक होता है, अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसके अंदर कह सकते हैं इसी जंतु में पाया जाएगा। ऐसा क्या होता है इसमें? रिट्रोग्रेसिव या जिसे कहा जाता है प्रतिगामी कायंथ्रम। प्रतिगामी कायंथ्रम या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इसमें जंतु का जो लार्वा है जिसमें एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं विकसित जंतु के लक्षण, विकसित जंतु के लक्षण इसके अंदर लार्वा में पाए जाते हैं। इससे विकसित जंतु के लक्षण या एडवांस कैरेक्टर कौन कौन से, जैसे इसके अंदर लार्वा में पाए जाते हैं नोटोकॉड उपस्थित होती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है संवेदी अंग पाए जाते हैं। नोटोकॉड और नर्व कॉर्ड लार्वा में पाई जाती है। तो विकसित इसके अंदर जंतु या एडवांस कैरेक्टर जो उसमें पाए जा रहे हैं इससे यह कम विकसित जंतु में बदलता है। कम विकसित जंतु में बदलता है तो कम विकसित जंतु में इसके अंदर जब भी बदलेगा जंतु इसके अंदर जब भी कम विकसित जंतु में या इसके अंदर कह सकते हैं लो इसके अंदर कह सकते हैं डेवलप एनिमल में बदलता है तो इसमें इसके अंदर एक तो फेरिंग्स पाई जाती है और सेकंड इसके अंदर इसमें स्टिग्मेटा पाया जाता है। बाकी जब सारी जो संरचना होगी इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, सेंस ऑर्गन है, ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें धीरे धीरे टूट कर अलग हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं इसके अंदर या डिसअपीयर हो जाते हैं। तो वह इसके अंदर संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। इसके कारण कह सकते हैं कि इसके अंदर जंतु विकसित से और ज्यादा विकसित होना चाहता है, उसको तो प्रोग्रेसिव कहा जाता है, लेकिन इसमें तो इसके अंदर कह सकते हैं ये विकसित से इसके अंदर बहुत कम विकसित जंतु की ओर जाता है। इसके कारण इसके अंदर बहुत कम विकसित जंतु में इसके अंदर बदलेगा। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं बहुत कम विकसित मतलब इसके अंदर सिडेंटरी होगा और सिंपल एनिमल में बदलता है, सिडेंटरी या स्थिर सामान्य जंतु जंतु में इसके अंदर बदलेगा। इसके कारण इसके अंदर यह एडवांस कैरेक्टर से इसके अंदर सिडेंटरी और सिंपल एनिमल में बदलता है। सिंपल एनिमल क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसमें फेरिंग्स और स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसमें नोटोकॉर्ड या सेंस ऑर्गन या नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसको कहा जाता है कि ज्यादा विकसित से बहुत कम विकसित जंतु की ओर इसके अंदर बदलने के कारण इसको या ऐसी संरचना जो इसके अंदर इसमें पाई जा रही थी विकसित लक्षण या एडवांस कैरेक्टर की वह डीजेनरेट हो जाती है और बहुत कम इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं एडवांस कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसको रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी प्रकार का कायंथ्रम कहा जाता है।
प्रतिगामी या इसको जिसको इसके अंदर विपरीत प्रकार का कायंत्रण कहा जाएगा। तो इसमें इसके अंदर इस प्रकार का कायंत्रण, इस प्रकार का जो कायंत्रण है रिट्रोग्रेसिव प्रकार का, ये नॉन कोऑर्डिनेट में भी पाया जाता है, इसके समान ही होता है। इसमें भी एनिमल इसके अंदर जो ज्यादा विकसित है लार्वा, और इसके अंदर कह सकते हैं जो वयस्क बनेगा एडल्ट बनता है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं एडवांस कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, जो कि ये तो कोऑर्डिनेट है जैसे यूरो कोऑर्डिनेट में आता है, लेकिन ये नॉन कोऑर्डिनेट भी इसी प्रकार का सिमिलर है इसके अंदर, उसे कहा जाता है जो कि आर्थ्रोपोडा का जंतु, नॉन कोऑर्डिनेट में भी आर्थ्रोपोडा, उस एनिमल को कहा जाता है सेक्यूलाइन। विशेष प्रकार का कायंत्रण इसमें पाया जाता है। तो इसमें प्रोग्रेसिव प्रकार का क्या होगा, इसमें तो जैसे लार्वा में तो रिट्रोग्रेसिव प्रकार का या इसके अंदर प्रतिगामी प्रकार का होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, या जिसको पूर्वगामी कहते हैं, पूर्वगामी कायंत्रण, इसमें लार्वा अवस्था में जैसे यदि कम विकसित है तो अधिक विकसित या एडवांस कैरेक्टर की तरफ जाता है, अधिक विकसित इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क में परिवर्तित होगा, या कह सकते हैं इसके अंदर लार्वा यदि कम विकसित है लो डेवलप है तो मोर डेवलप, या कह सकते हैं इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर, उस जंतु में आएंगे जो वयस्क बनेगा उसमें एडवांस कैरेक्टर आएंगे। इस प्रकार का जो इसके अंदर लार्वा जिसमें कम से बहुत अधिक विकसित इसके अंदर कह सकते हैं वयस्क बनता है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं रिट्रोग्रेसिव में उल्टा होता है, ज्यादा विकसित से कम विकसित। तो इस प्रकार का जो प्रोग्रेसिव होता है जिसमें कम से अधिक विकसित या एडवांस कैरेक्टर आते हैं ये पाया जाता है आपके बेलेनोग्लोसिस फ्रॉग। फ्रॉग या जिसे कहा जाता है मेंढक या राना टिग्रिना, इसमें टेडपोल लार्वा होता है वो इसके अंदर कम विकसित से ज्यादा विकसित की ओर जाएगा, लेकिन एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है उसमें रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायंत्रण पाया जाता है। प्रतिगामी कायंत्रण के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, कौन सी संरचनाएं इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से रिमूव होती है और कौन सी नई संरचनाएं बनती है इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव इसके अंदर कायंत्रण के अंतर्गत, एक तो होता है रिट्रोग्रेसिव चेंज, दूसरा होता है इसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंज। परिवर्तन इसके अंदर पाए जाते हैं पूर्वगामी और प्रतिगामी, इसमें से टेल कॉडल फिन टूटकर
डिसअपियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और इसमें से रिमूव हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। एल या पूंछ, कॉडल फिन या जिसको पूंछ पक कहा जाता है। उसके अलावा सेंस ऑर्गन, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये भी इसके अंदर इसमें से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर इसके अंदर फेगोसाइटोसिस के द्वारा इसके अंदर इसको इसके अंदर कंज्यूम कर लिया जाता है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड या सेंस ऑर्गन, ये भी इसमें से हटा दिए जाएंगे या इसके अंदर कह सकते हैं टूट कर अलग हो जाता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन में जैसे आपको बताया था, इसके अंदर इसमें जो फोटो रिसेप्टर है जो आइज का कार्य कर रहा था, या इसके ऑटोसिस जो कि इसके अंदर शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था, तो ये इसके अंदर उसमें से रिमूव हो जाते हैं। एडेसिव पेपिला हट जाते हैं, ये परिवर्तन होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसके जो माउथ पार्ट है और जो एडेसिव पेपिला है, इसके बीच का जो भाग है उसमें ग्रोथ ज्यादा होता है। एडेसिव पेपिला और माउथ के बीच का पार्ट है वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है, और जो एट्रियोपोर है इस भाग पर ग्रोथ स्टॉप कर दी जाती है या रोक दी जाती है। तो एक बार इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा बढ़ेगा, जैसे इसके अंदर एनिमल का एक पार्ट इसके अंदर दीजिए, इसके अंदर इस पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट इसके अंदर ज्यादा बढ़ेगा और इस पार्ट को इसके अंदर आपने इसके अंदर स्टॉप कर दिया तो एक पार्ट इसके अंदर ज्यादा बढ़कर इस प्रकार से हो जाएगा और दूसरा पार्ट नहीं बढ़ेगा, तो इसके अंदर यहाँ पर माउथ जो होगा इसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री इसके अंदर एंगल पर दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं जो इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है उसमें, और दूसरे पार्ट में किसी प्रकार की इसके अंदर ग्रोथ नहीं पाई जा रही है। इसके कारण इसके अंदर इसमें और उसके बाद जब इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है 90 डिग्री पर इसके अंदर माउथ आ जाता है और नेक्स्ट जो इसके अंदर कह सकते हैं पार्ट है वह इसमें इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ब्रैंकियल सिफोन और इसके दो पार्ट जो होते हैं एंट्रल सिफोन बन जाते हैं। प्रोग्रेसिव में इसके अंदर परिवर्तन जो होते हैं टेस्ट या ट्यूनिंग कवच इसके अंदर माउथ के ऊपर से हट जाता है, लेकिन शरीर को चारों ओर से कवर करके रखेगा। माउथ के ऊपर से इसके हट जाएगा तो फीडिंग इसके अंदर या भोजन लेने की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन टेस्ट या ट्यूनिंग शरीर को चारों ओर से कवर करता है, शरीर के चारों ओर पाया जाएगा। स्टोमच या आमाशय या इसके इंटेस्टाइन बड़ी हो जाती है, तीसरा इसके अंदर इसमें लीवर विकसित हो जाता है, और इसके अंदर कह सकते हैं इसमें हार्ट विकसित हो जाता है, पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, पेरिकार्डियम जो होता है इसके अंदर उससे घिरा रहता है, एट्रियल कैविटी या कुआं बड़ी हो जाती है एक्सटेंड, तो एट्रियल कैविटी इसके अंदर या जिसको कहा जाता है इसके अंदर एट्रियल गुहा, ये इसके अंदर बड़ी हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, हर्ट विकसित हो जाएगा, स्टोमक और फेरिंग्स इसके अंदर इसमें विकसित हो जाती है वो पाई जाती है, स्टिग्मेटा इसके अंदर पाए जाते हैं, स्टोमक है, इंटेस्टाइन बड़े हो जाते हैं, लीवर बन जाता है, ये सभी संरचनाएं टेस्ट या ट्यूनिक शरीर को चारों ओर से कवर कर लेता है और इसके अंदर माउथ पार्ट के चारों ओर जो इसके अंदर कह सकते हैं टेस्ट या ट्यूनिक है वह हट जाता है, माउथ अब भोजन लेने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उपलब्ध रहता है और फीडिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। ये सभी परिवर्तन प्रोग्रेसिव या पूर्वगामी कायंत्रण के अंतर्गत या पूर्वगामी इसमें परिवर्तन होते हैं। मेटामॉर्फोसिस तो रिट्रोग्रेसिव है, लेकिन इसमें कुछ संरचनाएं अनुपस्थित होगी जो हट जाएगी, कुछ